आज जो चीज हमने स्टडी करनी है दैट इज पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस टॉपिक में बफर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था और हमने पूरी डिटेल में देखा था कि बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है, क्यों जरूरी है और उससे रिलेटेड उसकी केमिस्ट्री। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं या बफर सॉल्यूशन की पीएच हम कैसे सेट कर सकते हैं कि हमें इतनी पीएच की रेंज का बफर चाहिए। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे आज के टॉपिक में जो कि हमें बताएगी कि किसी भी बफर सॉल्यूशन की पीएच आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि आपके पास जो है एक एसिड है एच ए, दिस इज अ वीक एसिड, और जो दूसरा कंपोनेंट है जिससे मिलके बफर सॉल्यूशन बनना है वो क्या होता है, वो होता है जी सॉल्ट। किसका सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड जो आपने लिया उसका सॉल्ट किसके साथ होना चाहिए, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस एच ए को अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस जो कि मैं एन ए ओ एच कंसिडर कर लेता हूँ उससे जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास रिएक्शन होगा एच ए प्लस एन ए ओ एच और ये मेरे पास मिलके बना देगा वाटर प्लस एन ए इंटू ए। तो ये मेरे पास सॉल्ट बना वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो दूसरा कंपोनेंट होगा एन ए ए। तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स जिनको मिक्स करूंगा मैं तो मेरे पास एक बफर सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। अब हम इनकी आयनाइजेशन को देख लेते हैं। एच ए ये आयनाइज होगा एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव के अंदर, और जो सॉल्ट है एन ए ए ये आयनाइज होगा सोडियम प्लस प्लस ए नेगेटिव, और दिस इज द कॉमन आयन। अब अगर मैं पहली इक्वेशन की के सी की इक्वेशन लिखूं जो कि होती है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो ये होगी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ और रीअरेंज करके मैंने लिख दिया एच पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा के सी इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो मेरे पास एक बन गई है। अब ए नेगेटिव इज द कॉमन आयन, ठीक है जी, हमारे पास दो जगह से ए नेगेटिव आ रहा है एच ए और सॉल्ट से, ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता था, कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता था कि जब भी कॉमन आयन मौजूद हो दो इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयनाइजेशन क्या होगी, लेस होगी, सप्रेस हो जाएगी। तो इसकी आयनाइजेशन हो रही है लेस। लेस आयनाइजेशन का मतलब है कि ज्यादातर एच ए इसी फॉर्म में मौजूद है, अलहदा अलहदा आयन नहीं बने। तो जो ए नेगेटिव है इसका जो सोर्स है, ए नेगेटिव का सोर्स आपके सिस्टम में वो क्या है, वो एन ए ए है, वो सॉल्ट है। जाहिर सी बात है कि इसकी आयनाइजेशन नहीं हो रही, ये स्ट्रॉन्ग है इसकी आयनाइजेशन हो रही है। तो इसकी आयनाइजेशन ज्यादा हो रही है तो ए नेगेटिव किसका होगा सिस्टम में मौजूद, सॉल्ट का सिस्टम में ए नेगेटिव मौजूद होगा। तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव है ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ से आ रही है, हमारे पास सॉल्ट से आ रही है, बींग सप्लाइड फ्रॉम एन ए ए सॉल्ट से। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है देन एच ए। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन को आगे चल के हम सॉल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये कंसंट्रेशन का सोर्स सॉल्ट है। अब
इक्वेशन हमारे पास थी एच पॉजिटिव इज इक्वल टू के सी, जो के इस केस में हमारे पास के ए होगा, क्योंकि हम एसिड की कंसंट्रेशन को हम लेके चल रहे हैं। हमने जो डिसोसिएशन पढ़ी एच ए की, वो एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास के ए, जो कि आयनाइजेशन कांस्टेंट था हमारे पास किसका, एसिड का। तो दिस विल बी के ए। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज एच पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन, लॉग लेने से क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह की चीज बनेगी। वी नो दैट कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो लॉग उनको क्या कर देता है, ऐड कर देता है, लॉग का जो लॉ होता है वो उनको ऐड कर देता है। तो लॉग एच पॉजिटिव ये बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ विद नेगेटिव वन। नेगेटिव से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए प्लस माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ एच ए डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। अब इक्वेशन जो है मेरे पास वो है, उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँ, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ एच ए डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव होता है कंसंट्रेशन विच दैट इज इक्वल टू दी पी एच, एंड माइनस लॉग ऑफ के ए जो होता है दैट इज इक्वल टू पी के ए, यही होता है, ये हम पढ़ के आए हैं। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव। अब यहाँ पर हमने जो पहले डिस्कशन की वो इस्तेमाल होगी, एच ए हमारे पास क्या है, एसिड है, और ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन कहाँ से आ रही है, ए नेगेटिव की सारी ज़्यादातर कंसंट्रेशन आ रही है सॉल्ट से, तो हम ए नेगेटिव को सॉल्ट कंसीडर करते हैं क्योंकि ए नेगेटिव का सोर्स बेसिकली सॉल्ट है। वीक एसिड में ए नेगेटिव है लेकिन एसिड का जो ए नेगेटिव है वो मौजूद नहीं है क्योंकि एसिड एच ए की फॉर्म में ही मौजूद है, कॉमन आयन इफेक्ट ने इसकी आयनाइजेशन को रोक दिया है। तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन की नई शक्ल आएगी वो होगी पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, इस लॉग को माइनस को जब मैं प्लस करना चाहूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग ए पी एच इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग जो है ये जब प्लस करूंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं ये ऊपर नीचे आ जाएंगी, सॉल्ट अब ऊपर आ जाएगा और एसिड आ जाएगा नीचे। तो दिस इज द इक्वेशन जो कि हमें किसी भी बफर सॉल्यूशन की जो है पीएच बताने के लिए इस्तेमाल होती है। बफर सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते थे, शुरू में हमने पढ़ा था कि एसिड लेते हैं और एसिड का सॉल्ट लेते हैं, तो एसिड आपके पास मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन के कितना कितना आपने मिक्स किया है तो आप उससे बफर की पीएच निकाल सकेंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द हेंडरसन इक्वेशन।
इसका नाम और इसकी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके पास आठवें चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेंडरसन इक्वेशन जो है उसको डिराइव करें। तो दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन कि आपने पीएच जो है वो कैलकुलेट की है अपने रिक्वायर्ड जानते हैं वो बफर सॉल्यूशन की। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपके पास इसमें दो चीजें हैं जिसके ऊपर पीएच किसी भी बफर की डिपेंड कर रही है। दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन तो दो चीजें हैं। पहली चीज है आपके पास पी के जिसके ऊपर आपकी पीएच जो है वो डिपेंड करेगी और दूसरी जो चीज है दैट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी सॉल्ट और एसिड की कि सॉल्ट और एसिड आपने किस रेशियो में जो है वो ऐड किए हैं अपने बफर में वो डिफाइन करेंगे कि आपके बफर की पीएच कितनी होने जा रही है। अब जो बेस्ट बफर वो होता है जिसके अंदर आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए एसिड की कंसंट्रेशन के तो वो बेस्ट बफर होगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 और आपके पास पीएच जो होगी वो बराबर आ जाएगी पी के ए के। तो दिस इज द बेस्ट बफर जिसके अंदर आपके पास कंसंट्रेशन जो सी है वो एसिड की और सॉल्ट की जो है वो बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बफर है CH3COOH का विद CH3CONa के साथ तो हमारे पास जो पीएच इसकी होगी वो होगी पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट जो कि है CH3CONa और एसिड जो कि है CH3COH। अब अगर इनकी कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्ट एंड एसिड आर सेम अगर तो वो सेम है तो मेरे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ 1 तो log 1 का होता है 0 तो pKa pH के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज दी वुड बी द बेस्ट बफर जिसके अंदर हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन जो सी होती हैं सॉल्ट की और एसिड की वो सेम होती हैं और एसिटिक एसिड का पी के ए जो होता है दैट इज 4.74 तो पीएच हमारे पास जो होगी वो इस बफर की ये होगी। अब दूसरी चीज इसमें जो हमने स्टडी करनी है वो ये है कि अगर हमें एक बफर चाहिए अपनी रिक्वायर्ड पीएच का तो हम क्या करते हैं हम अपनी रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड के साथ खेलते हैं कि वो हम कितनी एक दूसरे के साथ चेंज करें तो हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन से उसकी पीएच निकल आए। फॉर एग्जांपल पहला जो केस है उसके अंदर हमने एग्जांपल यही स्टडी करनी है CH3COOH और CH3COONa। पहला केस हम सपोज करते हैं कि आपके पास जो एसिड की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और जो CH3COONa जो कि सॉल्ट है वो आपके पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है तो हम इसकी पीएच निकालते हैं तो पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड पी के ए इसका होता है 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट आपके पास कंसंट्रेशन में कितना है 1 और एसिड आपके पास कंसंट्रेशन में मौजूद है 0.1 तो ये हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ 10। अब लॉग ऑफ 10 जो है वो होता है 1 तो 4.74 प्लस 1 तो आपके पास जो फाइनल पीएच आएगी दैट वुड बी 5.74
तो एक केस ये है जिसमें आपकी पीएच उस एसिड से ज्यादा आ रही है, 7.4 आ रही है, इस रेंज तक आपका ये जो है पीएच वाला बफर मौजूद होगा। दूसरा केस जो इसमें है दैट इज कि अब हम इनकी कंसेंट्रेशन को उल्टा लें, एसिड जो हो अब हमारे पास वो हो 1.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो आपके पास CH3COONa हो वो हो हमारे पास 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब जो pH होगी वो क्या होगी, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। pKa इज 4.74 प्लस log ऑफ सॉल्ट, अब हमारे पास 0.1 है और एसिड हमारे पास 1.0 है, तो ये होगा 4.74 प्लस log ऑफ 1/10। अब ये 10 ऊपर आके इसको माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा 4.74 माइनस log ऑफ 10 जो कि 1 होता है, तो 1, और आपके पास आंसर आएगा 3.74। तो ये आपके पास रेंज आ गई एक पीएच की कि 3.74 से लेके 5.74 तक की रेंज का बफर सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये सॉल्यूशन इस रेंज में ही इफेक्टिव होगा, इससे ज़्यादा की रेंज में जो है वो फिर इतना इफेक्टिव जो है वो नहीं रहेगा, वो इतना गुड बफर नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायर्ड 3.74 से लेके 5.74 के दरमियान कोई भी पीएच आपको चाहिए हो किसी भी बफर सॉल्यूशन की, तो आप इनकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करके, इन कंसंट्रेशन को छेड़छाड़ के आप अपनी रिक्वायर्ड पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि pKa तो सेम ही रहना है। तो ये हमारे पास था हेंडरसन इक्वेशन, उसकी डेरिवेशन और उसकी एप्लीकेशन, जिसमें हमने एक एसिडिक बफर को लेकर चले और हमने इक्वेशन को प्रूव किया। नेक्स्ट जो होगा वो होगा बेसिक बफर्स, उसमें हम क्या करेंगे, हम अब हेंडरसन इक्वेशन की जनरलाइज फॉर्म लिख देंगे बेसिक बफर्स के लिए। हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है हम उसी तरह NH4OH और NH4Cl जो कि ये हमारे पास वीक बेस है और ये उसका सॉल्ट है, इसकी जब हम इक्वेशन उसी तरह लेके चलेंगे और वो सारा काम करेंगे तो हमारे पास जो Kb निकलेगा इस इक्वेशन का वो होगा NH4 की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन और NH3 की कंसंट्रेशन। कैसे आया, NH3 हमारे पास मिला वाटर के साथ, इसने जाके रिलीज किया NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसकी मैंने KC लिखी तो वो आ गई NH4 की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन। ये H2O की कंसंट्रेशन जब इससे जाके मिली तो पीछे बच गई हमारे पास NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय NH3 की कंसंट्रेशन। और अब आप अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस याद करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो Kb आता था और वही Kb यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है Kb की। इसी इक्वेशन को जब आप लेकर आगे चलेंगे, इसका लॉग लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से और फिर उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो हेंडरसन इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी POH, बेसिस के केस में फिर POH निकलेगी, pH नहीं निकलेगी। POH इज इक्वल टू pKb, Ka था उधर, इधर pKb हो जाएगा, प्लस log ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये बेसिक बफर है, आप बेस को लेकर चले थे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है हेंडरसन इक्वेशन आ गई फॉर हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर्स। तो एसिडिक बफर्स हों या बेसिक बफर्स हों, आप इस तरीके से जो है उनकी हेंडरसन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं और आप सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन को चेंज करके रिक्वायर्ड पीओएच का
बफर तैयार कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास पी ओ एच का आंसर आएगा और उस पी ओ एच को आप 14 में से माइनस करेंगे तो पी एच हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि पी ओ एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो ये सोल्यूशन जो था हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन का था, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो दिस वॉज अवर टूडेज टॉपिक अबाउट हेंडरसन इक्वेशन।